फर्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg शोन इन द फिगर, द इम्पल्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज, दिस इन द डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द इम्पल्स. टू फाइंड आउट द इम्पल्स फ्रॉम दिस डायग्राम, फॉर दैट वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ एंड ऑल्सो वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स. एंड वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स? दैट इज इम्पल्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंट. ओके, सो स्लोप, सी स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 2, दैट इज 4/2. एंड स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ इज ऑलवेज गिवन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. That is how much velocity you got, that is 2 meter per second at t equal to 2 seconds. Okay, now again you glance this diagram. After 2 seconds, the position time graph is parallel to the time axis. Okay, what it reveal? ये क्या बता रहा है? जो after 2 seconds के बाद क्या हो गया? Body come to rest. Okay. तो 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 2 सेकंड उसका वेलोसिटी हो गया 0. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? डेल्टा वी इक्वल टू कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड. एंड हम लोग जानते हैं इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एम इंटू डेल्टा वी. मास कितना दिया है? 0.1 kg. डेल्टा वी हम लोग ने निकल के रखा है 2 मीटर पर सेकेंड. 0.1 × 2, दैट इज 0.2 kg/s. So 0.2 kg/s is the value of impulse. So right option is A. Next question. A particle of mass m is placed at the center of a uniform spherical shell of mass 3m and radius capital R. The gravitational potential on the surface of the shell is. तो हम लोग को यहाँ पर gravitational potential का formula जानना पड़ेगा. Gravitational potential का formula क्या है? Minus g मतलब gravitational constant into mass divided by radius. ठीक है, तो shell के लिए potential कितना होगा हम लोग का? जो mass center में है उसका पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ऑफ द शेल इटसेल्फ, ये दोनों मिलके क्या देगा? टोटल पोटेंशियल ऑफ द शेल. ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगा? ने जैसे बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल एट द सेंटर, जो पार्टिकल सेंटर में है उसका पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द शेल इटसेल्फ. तो सेंटर में जो पार्टिकल है उसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस में? माइनस gm/r और प्लस g, शेल का मास कितना है? 3m. ओके, g 3m/r. तो rr कॉमन चला गया, तो अल्टीमेटली कितना होगा? माइनस 4gm/r. सो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रेन ड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू एयर हैव रेडियस इन द रेशियो 1:2, दे विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला. तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाई 9 ईटा. यहाँ पर r का मतलब क्या? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल. रो का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी. और सिग्मा का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ईटा का मतलब क्या है? कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. एंड स्मॉल जी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर देखिए रो सिग्मा जी ईटा सब कॉन्स्टेंट है, तो वेलोसिटी किसका पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? r². ठीक है, तो v1/v2 इक्वल टू क्या होगा? r1² / r2² r दोनों में स्क्वायर है,
तो स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, तो आर वन बाई आर टू होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आर वन का वैल्यू कितना दिया है, वन, आर टू का वैल्यू क्या दिया है, टू। तो क्या होगा, आर वन का जगह में वन होगा, आर टू का जगह में टू होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वी वन बाई वी टू का वैल्यू कितना आएगा, वन बाई फोर। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, पी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ए बॉडी ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली विथ ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। इसको निकालने के लिए हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। 75% 75/100 इंटू हाफ एम एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 75/100 कितना हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 3/4 और ओमेगा कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, तो कॉस का कौन सा वैल्यू के लिए √3/2 होता है, दैट इज कॉस 30 डिग्री। तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, कॉस पाई बाई सिक्स, दैट इज कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और कॉस कॉस ड्रॉप देन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2π/T। ठीक है, एंड टाइम पीरियड हम लोग को दिया है 2 सेकेंड, तो डाल दिया, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 सेकेंड। दैट ऑप्शन विल बी द बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी लिसनर विथ 1/8 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए, लिसनर क्या है, रेस्ट में है, और सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टुअर्ड्स द लिसनर। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, ऐसा सिचुएशन में अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू डैश इक्वल टू वी बाई वी माइनस वी एस इंटू न्यू। यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वी एस का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, न्यू का मतलब क्या है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग को क्या निकालना है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी न्यू डैश बाय ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी न्यू, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो न्यू डैश बाय न्यू क्या हो जाएगा, वी बाय वी माइनस क्या बोला है, सोर्स का वेलोसिटी क्या है, 1/8 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो वी माइनस वी बाय 8 हो जाएगा। तो एलसीएम किया है 8V-B, ठीक है, डिवाइड बाय 8, नेक्स्ट 9, न्यू डैश बाय न्यू, 8 ऊपर में चला जाएगा, 8V/7V, वी भी कैंसिल, न्यू डैश बाय न्यू का वैल्यू कितना आया, 8/7। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।